तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कवरिंग लेटर की। कवरिंग लेटर तो जब जैसे ही आपके दिमाग में कवरिंग लेटर और ट्रेवल आइटनरी आता है तो एक हवा सा बन जाता है। अगर आप किसी से कहते हैं मुझे कवरिंग लेटर बना दीजिए, वीज़ा अप्लाई करना है, तो एजेंट उसी के नाम पे आपसे कहता है भाई 5,000 लगेगा, 7,000 लगेगा, या जो भी वीज़ा का फीस होगा उसके अलावा जो है मेरे जो चार्ज होंगे 2,000-4,000 वो आपको देने पड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं कवरिंग लेटर ऐसा आपको बना के दूंगा और इस तरह से उसको लिखा हूँ मैंने कि उसे आप किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हैं। हालांकि ये कवरिंग लेटर मैंने इजिप्ट को जो है कोड करके लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, जहाँ पे टू वीजा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ इजिप्ट है वहाँ पे केवल इजिप्ट की जगह आप यूरोप का कोई भी कंट्री कर सकते हैं, फ्रांस या रूस को लिखना है रूस को, या आप जो है ऐसी किसी कंट्री में इज़राइल हो गया जहाँ पे पहले से ही जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है अपने देश में रह के, वहाँ वीज़ा अराइवल नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको कवरिंग लेटर लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे आप केवल नाम चेंज कर देंगे और उस कंट्री का नाम लिख देंगे और ये कवरिंग लेटर हर जगह चलेगा। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसी कवरिंग लेटर से मैंने 3 कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया और तीनों कंट्री ने मुझे वीज़ा दिया, ठीक है। और वैसे भी आप चाहे कितने सारे कवरिंग लेटर देख लो, बहुत सारे YouTube पे वीडियो हैं, लेकिन जो भी कवरिंग लेटर है ना वो भाई इसी तरह हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ इससे वीक ही हैं, मैंने तो जो बनाया है वो कोई भी बंदा इजिली समझ सकता है और वो आसानी से लिख सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप कवरिंग लेटर लिखिए तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे तो टाइप करके आपको बताया है बकायदा नोट पैड पे, लेकिन आप इसे हैंड राइटिंग में लिखिएगा और ये सेम टू सेम आप उतार सकते हो। कहाँ कहाँ चेंज करना है, जहाँ जहाँ पे मैंने आपको जो है वहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है या खाली स्पेस दिया है, वहाँ पे आपको अपना नाम, वहाँ पे कंट्री का नाम, वहाँ पे डेट और आपका जो भी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो सिर्फ चेंज करना है। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे इज़राइल का वीज़ा मिला हुआ है, लेकिन इसी वीडियो में आप देखेंगे मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वो है इजिप्ट के वीज़ा के बारे में। तो आप इजिप्ट का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देख सकते हैं। और इसमें इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा, नीचे लिखा ही हुआ है कि इजिप्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यही डॉक्यूमेंट्स हर कंट्री के लिए चाहिए होता है। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जो भी मेरी नई वीडियो आए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलिए। अगर आप नहीं किसी कंट्री का ट्रैवल आइटनरी नहीं बना पा रहे हैं, या आप किसी कंट्री का इस इतना बनाने के बाद, इस तरह आपको दिखाने के बाद में भी अगर आप कवरिंग लेटर नहीं बना पा रहे हैं, तो जो है मैं आपको थोड़े से मामूली से फीस में उस चीज़ को बना के दे दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा और वहाँ पे मैं आपको बना के डाल दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों के लिए, वीडियो भी बनाओ और ये सब करो। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहेंगे तो मैं हेल्प कर दूंगा, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद में। तो मैं आपको अपने लैपटॉप पे ले चल रहा हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कवरिंग लेटर बना सकते हैं, वो भी किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो अब आप आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और ये देख रहे होंगे कि अभी थोड़ा सा चैनल नया है तो यहाँ पे सब्सक्राइबर कम हैं। और मैंने ये देखिए वीडियो में यहाँ पे दिखाया हूँ, ये इजिप्ट का वीज़ा जो है, इजिप्ट के वीज़ा का है। और यहाँ पे देख रहे हैं तंजानिया के वीडियो चल रहा है और कैसे कीनिया टू तंजानिया बाय रोड जा सकते हैं, तंजानिया वीज़ा प्रोसेस, इस तरह से युगांडा, रवांडा, मलेशिया, दुबई सारा वीडियो है। अब जो है सीधा देर नहीं करते और चलते हैं किस तरह से हम जो है लेटर लिखेंगे, कवरिंग लेटर। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू, इसके बाद में द वीजा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ द इजिप्ट न्यू दिल्ली और पिन कोड। अगर अब आपको मैं यही बता रहा था, मैं इस लेटर को इजिप्ट के नाम पे लिखा हूं, अगर सपोज दैट आपको यही लेटर जो है किसी दूसरे को लिखना, मान लीजिए आप
ऐसी कंट्री को यूरोप में किसी को लिख रहे हैं, फ्रांस को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल फ्रांस लिख देना है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे इजिप्ट को लेके लिखे हैं तो इजिप्ट ही लिख देते हैं। द वीजा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ द इजिप्ट न्यू दिल्ली, और यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जिस डेट में आप इसे अप्लाई कर रहे हो वो डेट डाल देना। अब ठीक है, यहाँ पे अब आएगा आपका नंबर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए भाई, अप्लीकेशन टू शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीजा। अगर आपको टूरिस्ट वीजा के लिए मैंने वीडियो बनाया तो मैं टूरिस्ट वीजा की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे और किसी के लिए वीजा लिख रहे जो है वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, बिजनेस वीजा कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस वीजा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है डियर सर मैम, आपको नहीं पता है कि जो वीजा ऑफिसर है वो मैडम एक सर है, तो इसलिए सर मैम लिखिए। माई सेल्फ में आप अपना यहाँ पे नाम लिखिए, मैंने एक कॉलम छोड़ दिया है। आपका नाम है राम श्याम मोहन, यहाँ पे उसको डालिए। होल्डर ऑफ इंडियन पासपोर्ट, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो इंडियन पासपोर्ट लिखिए, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं पाकिस्तानी लिखिए, नेपाली हैं नेपाली लिख लिए, बांग्लादेशी हैं बांग्लादेश, मतलब किसी भी देश के हैं तो यहाँ पे उस पासपोर्ट होल्डर उस देश का नाम आ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद में देखेंगे पासपोर्ट नंबर, अब यहाँ पे ये ब्लैंक स्थान है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर भी लिखना है, ठीक है, विथ एक्सपायरेशन। अब यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट होता है आपके पासपोर्ट का, वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है। अब समझ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक डमी डेट डाल दिया है 22/2/2022, लेकिन आप अपने पासपोर्ट में चेक करिए कि उसमें ये जो है एक्सपायर कब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 22/2/2022 आपको डालना है, अगर आप में 24 है तो 24 डालिए, 2028 है तो 28, जो भी है वहाँ पे डालना है, ठीक है। और वुड यू लाइक टू विजिट इजिप्ट फॉर टूरिज्म पर्पज, आप उनके कंट्री को टूरिज्म पर्पज के लिए विजिट करना चाहते हैं। अब यहीं पे अगर सपोज दैट आप जो है इजराइल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इजराइल लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं इजराइल का भी ऐसा एक वीडियो बना दूंगा, या जिस भी कंट्री का आप चाहते हैं। आई हैव बीन वर्किंग विथ, आप यहाँ पे आता है कि आप क्या करते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आप अपने कंपनी का नाम लिखोगे, आप कंपनी के बारे में बताओगे कि मैं वर्किंग हूँ, कहाँ वर्क कर रहा हूँ, किस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, ये देना पड़े। अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, सपोज दैट आप एक ट्रैवलर हैं, तो आप लिखेंगे कि मैं जो है मतलब इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरे माँ बाप जो है मुझे फंड दे रहे हैं और मुझे घूमने का शौक है, या मुझे घूमने के लिए मेरे माँ बाप भेज रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि मतलब आप वर्किंग नहीं हो, आपके माँ बाप पैसा दे रहे हैं, तो जो है वो लिखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो देखो भाई, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, या नीचे जो है मेरा मेल आईडी दिया गया है उस पर आप मेल कर देना, वैसे आपके लिए आसान जो है इंस्टाग्राम ही रहेगा, तो आप मुझे कर देना और मैं जो है आपको ये लेटर बकायदा लिख के आपको दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव बीन वर्किंग विथ, कि मैं काम कर रहा हूँ अब किसके साथ। यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान है, सपोज दैट आप रिलायंस में कर रहे हैं, सपोज दैट आप किसी प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं, छोटे यूनिट में कर रहे हैं, कपड़े की फैक्ट्री में कर रहे हैं, तो उसका नाम, उस कंपनी का नाम, एज ए, अब यहाँ पे मैंने मैनेजर लिखा है, आप जो हो, टीचर हो, मैनेजर हो, अप्यून हो, आप डिजाइनर हो, इंजीनियर हो, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जो भी आपका पोस्ट है वो लिखना है। विथ एनुअल पैकेज ऑफ जितना लाख आप कमाते हो, कि मतलब आप जो है एक साल में, सपोज दैट आपकी सैलरी 40,000 महीने है, तो आपने पूरे साल में 4,80,000 रुपये कमाए, तो यहाँ पे 4,80,000 लिख दीजिए, या मोटा मोटी आप 5,00,000 लिख दीजिए, और आप यहाँ पे उसे डॉलर में 70 से डिवाइड करके डॉलर में लिख दीजिए, और आगे यहाँ पे जरूर लिखिए कि इंडियन रुपीज़, उन्हें ये तो पता चले कि हाँ मतलब क्या है। अब सपोज दैट आप 3,00,000 भी हैं तो 3,00,000 लिख सकते हैं, क्योंकि आप वही लिखिए जो सही है ये आपको, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट है और जो सैलरी स्लिप है वहाँ पे शो करना पड़ेगा, इसलिए गलती मत करिएगा। और यहाँ पे फिर आप आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे
टू सपोर्ट माई वीजा अप्लीकेशन आई हैव अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विथ दिस लेटर ऑन ऑर्डर। अब आप देख रहे हैं जो भी आप कवरिंग लेटर में लिखेंगे कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए लगाया है फॉर्म में, जो जो मांगा हुआ है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ मेंशन करना है। यही लेटर होता है कि आप उनसे एक तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीज़ा लेने के लिए और क्या क्या आप लगाए हैं ऑफिसर को हाईलाइट कर रहे हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, नंबर एक वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म, वो तो मैंडेटरी है, जो कि नीचे वेबसाइट से आप उठाइए और वहाँ पे उनका जो है मिल जाएगा। अगर आपको वो चाहिए कि आपके पास में वीज़ा का फॉर्म नहीं है या कौन सा लिंक है, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, वैसे मैं वीडियो के नीचे भी लिंक डाल दिया हूँ। ओरिजिनल पासपोर्ट एंड फोटोकॉपी, आपने पासपोर्ट ओरिजिनल देंगे और फोटोकॉपी लगाएंगे, दो फोटोग्राफ्स कलर और वाइट बैकग्राउंड, देख रहे हैं ऐसा बैकग्राउंड वाइट है, साइज क्या है वो मेरा वीज़ा वाला जो वीडियो है उसमें लिखा हुआ है। और वैसे उनके गूगल पे आप टाइप भी करेंगे कि जो है मुझे किस देश के लिए, जैसे मान लें इजिप्ट के लिए, इजराइल के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन से साइज की फ़ोटो चाहिए, वहाँ पे आपको मिल जाता है। कवरिंग लेटर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कवरिंग लेटर ही है, तो ये कवरिंग लेटर। पांचवा एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में क्या दे सकते हैं, एक तो आप कंपनी का एनओसी दे सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे छुट्टी में जाना है और जो है कंपनी आपको जो है लिख के दे रही है कि ये हमारे यहाँ इस पोस्ट पे काम करते हैं, इतना सैलरी है, इतने सालों से हमारे यहाँ काम करते हैं, आप ये एक महीने के लिए घूमने जा रहे हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं उसका भी आपको कैसे कवरिंग जो है एनओसी बनाते हैं कंपनी का, कंपनी से आप लिखवा लेना, केवल मैं मैटर इस तरह से लिख के दे दूंगा, कल को आप कहोगे कि नहीं आप तो बोला था कि बना सकते हो, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है वो मैं लिख के दे दूंगा और आप कंपनी से उसको टाइप करा लेना। अगर आपके पास कंपनी ने आई कार्ड दिया है, विजिटिंग कार्ड दिया है, तो उसे ज़रूर लगाएं, इससे आपका केस मजबूत होता है। सैलरी स्लिप 3 महीने की, ठीक है, 3 महीने का आप सैलरी स्लिप लगाना है जो करंट में चल रही हो। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, 3 महीने से भी काम चलता है लेकिन आप 6 महीने का लगाइए, उनको ये पता रहेगा कि जो भी आपको ट्रांजेक्शन आ रहा है वो सही है। ट्रेवल आइटनरी, ये भी बहुत हुआ है, ये इसको भी लेकर के लोगों ने खूब हवा बनाया है कि भाई ट्रेवल आइटनरी क्या होता है, कैसे बनता है। अब भी एक बात बताओ, आप इजिप्ट जा रहे हो और आपके दिमाग में है यार ऑफिसर लोग भी क्या मांगते हैं, आपको रहना अभी इसी देश में हो, आपको कैसा पता है कि आप जहाँ गए नहीं हो वहाँ पे हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो उसी चीज़ को इन्हें बताना पड़ता है कि आप 10 दिन वहाँ करोगे क्या, कहाँ कहाँ जाओगे, तो उसे ट्रेवल आइटनरी बोलते हैं। उसका मैं बाकायदा हिंदी में ही आपको बता के वीडियो बनाऊंगा और इजिप्ट का भी बता दूंगा, इजराइल का भी बता दूंगा, या जिस किसी कंट्री का करेंगे उसका एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद वाला ही वो वीडियो है, लिंक में आप जाओगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के बाद ट्रेवल आइटनरी आ गई। ट्रेवल आइटनरी में यही होता है कि सर मैं फर्स्ट डे यहाँ मान लीजिए पहुँचूंगा, होटल में आराम करूंगा, दूसरे दिन पिरामिड देखूंगा, तीसरे दिन म्यूजियम देखूंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा, फिर शाम को होटल में, इस तरह आपको 10 दिन बाद बना के देना होता है। इसके बाद में फ्लाइट टिकट, सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक दिमाग ख़राब करने वाला काम है ये है कि फ़्लाइट टिकट। अब आपको वीज़ा अप्लाई करना है, आपको तो पता नहीं है कि मुझे वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और फ्लाइट टिकट पहले ही मांग लिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जेन्युइन जो है वेबसाइटें हैं जो $10-15 लेती हैं और आपको टिकट बना के दे देती हैं, ठीक है। उस टिकट में क्या होता है, वो रियल टिकट ना होकर के पर रियल जैसा होता है, उसमें PNR होता है, फ्लाइट का पूरा डिटेल होता है और वो कुछ हफ्ते तक वैलिड होता है। तो जब भी आप अप्लाई करो उसके 24 घंटे पहले या 35-36 घंटे पहले अप्लाई कर दो, जिसके आप टाइम पे वो मिल जाए और आप उसे अटैच कर दो, तो उसका भी मैं वीडियो बना करके लिंक में डाल दूंगा। वहाँ भी आपके लिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन है कि अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है तो आपको जितनी भी फ्लाइट की बुकिंग का खर्चा है वो आपका बच जाता है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी फ्लाइट हैं जो आज के डेट में कहती तो हैं कि हम रिफंड देंगे, लेकिन वहाँ पे जब आए देखेंगे तो नीचे ऑप्शन लिखाता है पार्शियली रिफंड। पार्शियली रिफंड मतलब होता है कि आंशिक रूप से थोड़ा रिफंड करेंगे, बाकी वो रिफंड नहीं करते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही
उस वेबसाइट से फ्लाइट बनवा लो और आपको बेनिफिट रहेगा। उसका नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बना के दे दूंगा। इसके बाद में आता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग के लिए भी आपको पैसा पहले पेड करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, पर आप booking.com से जाओ। डिपेंड करता है कौन सी कंट्री है कि वो जेन्युइन मांगती है कि नहीं भाई हमें आपको होटल बुकिंग कंफर्म देना है। तो उस समय आपको क्या करना है कि आप अपने उस होटल बुकिंग पे जाइए जो कि 10,000 20,000 5,000 पर डे के हिसाब से 2,000 पर डे के हिसाब से। उस केस में आप क्या करोगे कि उसको आप पहले पैसा दे दो और आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा या डेबिट कार्ड से काट लेंगे। अगर आप नहीं जाते हो या बाद में वहां जाके होटल चेंज करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि अपना पैसा रिफंड ले सकते हो, क्योंकि वहां पे रिफंडेबल का ऑप्शन होता है। ऐसे होटल बुक करिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लिखना है आई रिक्वायर मी इजिप्ट शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीजा फ्रॉम। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है वीजा का, वो अब आपको यहाँ पे फ्रॉम डेट मैंने जो लिखा है वो कौन से डेट को। सपोज दैट आपको 20 अप्रैल को जा रहा है, कोई 20 मई को जा रहा है, तो यहाँ पे 20 मई से कितने मई तक जाओगे वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। टू स्टे इन इजिप्ट सो प्लीज प्रोवाइड मी टूरिस्ट वीजा, ये आपने रिक्वेस्ट कर दिया। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ माई ट्रिप विल बी बियर बाई मी, यानी आपने जो भी एक्सपेंस आ रहा है, आपके ट्रेवल का जो खर्चा आ रहा है वो स्वयं से आपने जो है वहन कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपके मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार जो भी आपको दे रहा है तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। तब आपके पापा का बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा और पापा का ही जो है क्या करते हैं उनके बारे में वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आई हैव डन ऑल माई ट्रेवल बुकिंग माई सेल्फ, अगर आपने अपने से बुकिंग किया है तो यहाँ पर अपना लिखिए, और अगर किसी एजेंट से किए हैं तो एजेंट का नाम लिखिए। जब आप एजेंट्स करेंगे तो आपको ये लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एजेंट ही लिख के दे देगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी नेसेसरी शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीजा, फॉर द अदर रिक्वायरमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन फॉलोइंग फोन नंबर, ठीक है। तो आप उनको अपना जो नंबर दिए हैं उनने आपने ये भी बता दिया कि अगर आपको कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो जो भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है आप मुझे जो है उस पर कॉल कर लें। और उसके बाद में यहाँ पे लिखना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है जो पासपोर्ट में है, नेम डालना है आपको, फ़ोन डालना है, एड्रेस डालना है। आप कोशिश करें कम से कम दो फ़ोन नंबर डालें, जो एक ना लगे दूसरा। और यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, मेल आईडी भी ज़रूर लिखने के लिए डालिए यहाँ पे मेल आईडी, और एड्रेस लिख करके आप डन कर दीजिए। तो ये और ये जो है आपका देख रहे हैं, ये हो गया आपका कवरिंग लेटर। अब किस इजिप्ट के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए, 10 लगाए, वो भी हो गया, सब कुछ पता चल गया। 2800 रुपये उनका फीस है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो है ट्रेवल आइटनरी का, कैसे बनाते हैं, इजिप्ट का कैसे बनाते हैं, इजराइल का कैसे बनाते हैं, वो सब मैं दे दूंगा। अगर आपको और किसी देश का बनवाना है तो वो भी मैं आपको ट्रेवल आइटनरी या जो है इसको बना के कवरिंग लेटर दे दूंगा। आपको अगर ज़रूरत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।